सबके सारे लगाते हैं यहाँ, जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। ये तो कमी है, ये तो कमजोरी रही कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये अधिकृत अभी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं। ये तो मैंने सबसे पहले माना कि संघ नहीं बना, ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कमी रही है। अंदर हुआ क्या था? नारे के मैडम, नारों से सियासी पारा तो बढ़ गया है कांग्रेस के अंदर। अगर हम बात करें सियासी पारा बढ़ना स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, सियासी पारा अपने आप बढ़ रहा है। और कांग्रेस जनों में एक जो ऊर्जा जो राहुल जी के यात्रा से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल में हम जीते, कर्नाटक में हम जीते, और अब लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल बदहाल बेहाल है उससे आगे कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है जिसकी ओर पूरे हरियाणा के लोग देख रहे हैं। मैडम, जब आप बोल रहे थे तब भी नारेबाजी शुरू हो गई थी आपके अंदर, काफी हुआ था तो लोग बता देंगे आप, तो गुटबाजी कैसे शांत होगी मैडम? ये तो प्रभारी के सामने ही नारेबाजी हो रही है। मीटिंग से बाहर आई है, किस तरह का फीडबैक हुआ मीटिंग में? मीटिंग से बाहर मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो कृपया गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने अनुमति ली है और मैं सबसे पहले बोलकर प्रस्ताव पहले पढ़ा गया है अध्यक्ष जी द्वारा, उसका मैंने अनुमोदन किया है और मैं अनुमति लेकर फिर आपके समर्थक भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं मैडम। सबके सारे लगाते हैं यहाँ, जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। मैडम गुटबाजी कैसे रोकेंगे? गुटबाजी चुनौती अभी भी है। मैम, ऐसे हालात में जब भावी सीएम बहुत है, संगठन क्या बनता दिखाई दे रहा है? अरे यार गिट जाओ भाई। मैडम संगठन को लेकर भाजपा ने कहा है संविधान, हमारा जैसे सेक्टर के भी बनेंगे, मंडल के भी बनेंगे, हर स्तर पर हमारा संगठन बनेगा। और वो खुद लोगों से बातचीत करके दो दिन वो यहाँ लगा रहे हैं, सबसे बातचीत करेंगे, जमीन पर भी जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा संघ। मैडम आपको क्या लगता है कि बहुत से प्रभारी आए चले गए, अब फिर से नए प्रभारी आ गए हैं, लेकिन 9 साल से कम संगठन नहीं? ये तो कमी है, ये तो कमजोरी रही कांग्रेस पार्टी की। क्या कारण है कि 2005 के बाद हम नीचे 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 आते गए? पिछली बार प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव है 5 पॉइंट का प्रस्ताव है, वो आपको मिल जाए। शैलजा मैम, अभी जो हरियाणा कांग्रेस में एक मुहिम शुरू हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा लगातार पोस्टर जारी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है? आप सब लोगों से साझा किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, ना हमें मालूम है इसके बारे में। लेकिन अब प्रभारी जी ने जो कहा, अब समय आएगा, देखो मैनिफेस्टो कमेटी भी बनेगी, कुछ कॉमन चीजें हैं, वो कॉमन चीजें ओपीएस का मामला है जैसे, तो ये तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन अपना अपना तो कोई भी वो कर सकते हैं कि मेरी ओर से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये अधिकृत अभी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं। लेकिन आप इस तरह से देखती हैं कि जब लगातार सभाएं होती हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या और भी हो, तो वहां जाके कैंडिडेट भी घोषित कर दिए जाते हैं कि ये यहां से कैंडिडेट। कांग्रेस की प्रथा तो है नहीं। मैम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है स्टेट इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और फिर ऊपर कैंडिडेट। मैडम आपने कहा कि सभी हम सत्ता में आएंगे तो जो ये सरकार ने परिवार पहचान पत्र इस तरह की चीजें शुरू की इनको फाड़ के फेंक देंगे, क्या ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है? मैंने पहले ही कहा कि देखो अपनी अपनी भावना कोई रख दे वो अलग चीज़ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अभी अधिकृत ना कोई मीटिंग में इस तरह के फैसले हुए हैं और मैनिफेस्टो कमेटी अभी बनी नहीं है, वो तो समय पर होगा, लेकिन अभी इस बारे में कम से कम मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि सीनियर नेताओं की कोई मीटिंग हुई हो और जिसमें इस तरह के फैसले। मैडम संगठन संगठन है नहीं मैडम। मैडम पटना में महागठबंधन हुआ, उसको लेकर किस तरीके से ऑन गोइंग प्रोसेस होता है और इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व आपने देखा खुद हमारे अध्यक्ष जी और राहुल जी इन्वॉल्व हैं, तो इस पर मैं टिप्पणी करूं ये उचित नहीं। मैडम आपने कहा कि संगठन है नहीं, सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी का झंडा कौन पकड़ेगा?
सारे कार्यकर्ता पकड़े हुए हैं, ना मोदी पकड़े बैठे हैं। मैम ग्राउंड पे जाकर के अगर हम बात करें, क्योंकि आपने कहा ना आप भी रही हैं पार्टी की और काफी समय तक रही, तो क्या संगठन बनाने में कहां दिक्कत आ रही है? आप भी नहीं बना पाई संगठन? ये तो मैंने सबसे पहले माना कि संगठन नहीं बना, ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी कमी रही है, जिसका मुझे मन में बहुत दुख है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी होगा। हाँ, प्रभारी जी ने जरूर कहा है कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स करेंगे और उनके तहत ही संगठन में पद। धन्यवाद।